अभी मैं सतपुली के पास बिलखेत जगह है, यहाँ पे पहुँचा हूँ। और यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है भांग की खेती को लेकर। इसे इंडियन इंडस्ट्रियल हैम्प एसोसिएशन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है उन्होंने। और इसके पीछे मकसद यह है कि पहाड़ों में जो लोगों ने खेती छोड़ दी है जंगली जानवरों के आतंक की वजह से, उस ज़मीन का किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है, इसको लेकर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू किया गया है। यहाँ पे काफ़ी भूमि जो है स्थानीय लोगों ने लीज पे दी है कंपनी को। मेरे साथ यहाँ पे आशीष जी हैं जो यहाँ पे सारा काम यहाँ पे देख रहे हैं। उनसे मैं सवाल पूछूंगा, वो बताएंगे किस तरह से यहाँ पे खेती चल रही है और यहाँ पे इसका बेनिफिट जो काश्तकार को मिलेगा या जिन्होंने लीज पे ज़मीन दी है, वो उसमें लाभ क्या होगा। मकसद हमारा यह है कि एक तो जो भांग को लेके एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि ये एक नशे का कारोबार इससे हो सकता है, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भटक सकती है और नशे में संलिप्त हो सकती है। तो ये भी पता करेंगे कि वाकई ये पौधा नशीला है कि नहीं, और जो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो आशीष जी, जागो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा आराम से और डिटेल में समझाइए कि जो यहाँ पे भांग की खेती की जा रही है वो कितनी ज़मीन में की जा रही है और किस तरह से ज़मीन कितनी ली गई है और जो काश्तकार है उसको कितना पैसा दिया जा रहा है। सर एक्चुअली क्या है कि जमीन जो यहीं के गांव, ये गांव है जो बिलखेत है, और इन्हीं बिलखेत के जो ग्रामवासी हैं इन्हीं की ज़मीनें हैं यहाँ पे। जी इन्होंने काफ़ी साल पहले यहाँ पे ज़मीनें छोड़ दी थी, जी ठीक है, जी तो इनसे हमने ये ज़मीनें लीज़ पे ले रखी हैं, अच्छा, ठीक है। कितनी कितनी ज़मीन है ये? ये सर जो ज़मीन है ये 1400 नाली है सर, ये आप देख सकते हो, आप थोड़ा कैमरा इधर जी जी घुमाएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल इधर से काफ़ी बड़ा एरिया है, और जो 1400 नाली है, जी। ठीक है। और जो हमको यहाँ पे कुछ ज़मीन हमें मिल चुकी है, अराउंड 600 से 700 नाली हमें मिल चुकी है यहाँ पे, और कुछ मिलने पे लगी हुई है। ये जो हाँ आपने लीज पे लिए जमीन, इनको कितना पैसा दे रहे हैं? सर, इनको जो सालाना हम दे रहे हैं 300 से 400 रुपये नाली हम इनको देते हैं, एक नाली, ठीक है ना, और इनका इनको दे रहे हैं, और इनसे इनके जो जो भूमिधारी हैं यहाँ पे, तो इन्हीं को ही हम यहाँ पे रोज़गार भी इन्हीं को ही देना है हमने। अच्छा, क्या ऐसा कुछ है कि गर्म क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, हाँ पसीने सर, आ रहे हैं यहाँ अभी। पे काफ़ी गर्म है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है यहाँ पे दिन के टाइम पे, जी। तो भांग का जो हैम्प है, जो जी। औद्योगिक हैम्प जो है, जी। इसको जो टेम्परेचर चाहिए चाहिए होता है वो वार्म टेम्परेचर है। इस समय क्या है कि काफ़ी गर्मी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा 4 बजे के बाद यहाँ पे मौसम तो ठीक हो जाता जैसे है। इसको थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, हाँ जी, इसको अगर जैसे हम ऊंचे इलाकों में करना हाँ, चाहें, ऊंच, ठंडे इलाकों में करना चाहें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और हमारे पास जो खेत हैं वो सभी जगह हैं, ऊंचाई में भी हैं, घाटियों में भी हैं, हाँ जी तो क्या ये ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है? सर, ये ऊंचाई वाले इलाकों में काफ़ी अच्छी तरह से होगा, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो मिनिमम 8 से 10 जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है, और जो और वार्म टेम्परेचर चाहिए, हाई जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है 30 से 32 ऐसी। अच्छा, दूसरा मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे जो बना रखे हैं आपने, ये क्या चीज़ है? सर ये पॉली हाउस है अच्छा, ये क्या काम आते हैं पॉली हाउस? सर, थोड़े जब नज़दीक जाएंगे इनके आराम से। जी एक्चुअली ये हमारे जो पॉली हाउस हैं इनमें हमने जो फर्स्ट जो हमारे पे सीड्स आए थे जो है के जो बीज आए थे, तो हमने सबसे पहले यहीं पर ही बोया था, और उससे ब्रीडर बनाए थे। अच्छा ब्रीडर जो होता है बीज, वो फर्स्ट जो बीज होते हैं उसे हम ब्रीडर बोलते हैं, तो फिर उस बीज पे हमने फिर वही बीज हमने फिर आगे बोया, जो अच्छा, ब्रीडर था ना, मतलब प्लांट्स आपने वहाँ पे लगा हाँ, रखे। उस बीज के हमने वहाँ पे बोया तो अब ये जो बीज लगाया है इसकी कितनी लागत आई होगी अभी तक, जितना आपने बीज लगाया यहाँ पर? सर, हमने यहाँ पे जो बीज बोया था वो हमने यहाँ पे बोया है 600 ग्राम, 600 से 700 ग्राम हमने यहाँ पे बीज बोया है, अच्छा, और जो मैं देख रहा हूँ कि इस समय मेरे को यहाँ से 20 किलो बीज यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और
इसका जो जो पेड़ है हेम्प का, ये पूरा प्रोसेस में होता है सर। इसका जो इसका ब्रांच होती है तो वो तो फाइबर के काम आता है। अच्छा ठीक है। और ऐसा करते हैं हम लोग थोड़ा और नज़दीक जाएंगे। हाँ जी, कहाँ से जा सकते हैं हम नज़दीक? आप सर इधर से आइए। अच्छा, तो अब हम नज़दीक जा रहे हैं पूरे इसके जहाँ पे खेती हो रही है। और जिस तरह से आशीष जी बता रहे हैं कि इसका जो ये पौधा है ये पूरा यूटिलाइजेशन इसका हो जाता है, इसका जो फाइबर है इसके भी काफ़ी यूज़ होते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि चाइनीज़ आर्मी जो है इसकी जो ड्रेस बनती है इससे, जिसमें यूवी प्रोटेक्शन होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आशीष जी, ये आपका, आप देख सकते हैं ये पायलट प्रोजेक्ट का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट ऑफ ऑन हैम्प बिलखेत पौड़ी डिस्ट्रिक्ट विजया खेती के महत्व इसमें लिखे गए हैं। इससे कागज बनेगा जिससे वनों का संरक्षण होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है इससे कपड़े बनेंगे जिससे उत्तराखंड में रोजगार सृजन होगा। विजया से बने कपड़े सूती कपड़ों से 10 गुना मजबूत होते हैं। हैम्प क्या लिखा है? हैम्प ऑयल से पेंट, हैम्प ऑयल से पेंट वार्निश इंक आदि बनाई जा सकती हैं। हैम्प का तेल पेट्रोल की जगह इस्तेमाल हो सकता है। हैम्प की दवाई से कैंसर, एड्स, आर्थराइटिस, ब्लड कैंसर आदि की दवाइयाँ बन सकती है। इसमें कीटनाशक का गुण भी होता है, उसके लिए भी इसको प्रयोग हो सकता है। गुजरात के कपास पर निर्भरता कम हो जाएगी अगर हैम्प का काम सक्सेस होता है यहाँ पे। यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी है। और हैम्प से बना जो प्लास्टिक है वो 80 दिन में मिट्टी में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिससे ये लगता है कि ये जो प्लांट है इसकी जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है। और एक पहलू और भी है आशीष जी, क्योंकि खेती यहाँ पे मुझे पता है कि बिल खेत के ये जो खेत हैं इतने बड़े बड़े खेत, इनको लोगों ने इसलिए छोड़ा कि ये लैंसिराउंड की तरफ से यहाँ बारह सिंगे रात को खेत में घुस जाते हैं। तो ये बारह सिंगे अभी भी आ रहे हैं क्या? सर अभी तो हम यहाँ पे फेंसिंग कर दिया है। अच्छा, कंटिन्यू आते ही रहते हैं वो यहाँ पे। बारह सिंगे आते हैं? आते हैं, बारह सिंगे हो गया, हिरन हो गए, सुअर सुअर हो गए, बंदर बंदर हो गए। लेकिन इसमें जो भांग जो हैम्प है हमारी, इसको जब ये हैम्प को जो जंगली जानवर है वो नुकसान नहीं पहुंचाते सर। अच्छा, खाते नहीं है सर? उसको नहीं खाते सर। अच्छा, या जब पौधे होते हैं तो उखाड़ते नहीं है, क्योंकि सुअर की टेंडेंसी होती है कि कुछ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उखाड़ लेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे यही मतलब सुअरों से थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हमने फेंसिंग कर दी है यहाँ पे। अच्छा, आप देख रहे होंगे चारों तरफ इधर से फेंसिंग कर रखी है। आप देख सकते हैं कि पूरे एरिया में फेंसिंग है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं, 1400 नाली करीब आपने बताया, पूरे एरिया में फेंसिंग है। और पानी कितना डालना पड़ता है इसमें? सर पानी जो है इसका जो हैम्प के ग्रोथ पीरियड में जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन की ज़रूरत भी ग्रोथ पीरियड में ही पड़ती है। जब ये ग्रोथ हो रहा होता है एक महीने में, तो इसको पानी और नाइट्रोजन दोनों की ज़रूरत होती है। तो पानी हम डालते ही रहते हैं सर इसमें हर, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम रोज़ इसमें हम पानी डालना ही पड़ता है। जो नई नई ग्रोथ है जो हमारी, ये जो आप देख रहे हो, कितना पानी डालना पड़ता है सर इसमें? जो पानी डालेगा सर यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब अब सर सोयल के ऊपर बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे सोयल काफ़ी, ये बालू मिट्टी है, रेतीली जमीन है, सैंड है इसमें आधा से ज़्यादा ना। तो इसमें क्या होता है पानी ऊपर से सूख जाता है, लेकिन नमी काफ़ी अच्छी रहती है नीचे की तरफ। तो इसमें पानी हम सर एक दिन में इसमें ग्रोथ पीरियड में डालते ही हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन इसमें डालते ही रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो भांग के पौधे हैं वो बड़े बड़े यहाँ पे हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये भांग का पौधा है, 5-5.5 फुट की हाइट इनकी हो चुकी है, कुछ तो 6 फुट के आसपास भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े प्लांट यहाँ पे हो चुके हैं। ये कितने टाइम में इतने बड़े पौधे बने हैं ये? सर ये इसको 3 महीने में फसल पक जाती है सर। अच्छा, है ना, तो ये लास्ट स्टेज पे इसमें ये क्रॉप है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप ना नज़दीकी से इसका बता दीजिए कैसे क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है इधर। जी ये देखिए
आराम से बता दीजिए, थोड़ा समझना चाह रहे हैं लोग कि भाई इससे क्या होगा कैसे होगा। सर ये सीड्स हैं जी, तो सीड से काफ़ी मतलब जो ऑयल निकलता है जी, इससे प्रोटीन सीडों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा ठीक है ना। और इससे जो इसका ऑयल जो है सीड्स का, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है। और जो दिल की बीमारियां हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है सर। अच्छा। और फिर ये इसका ब्रांचेस हो गए, इससे फाइबर निकलता है। ये ठीक है सर, मैं आपको पूरा प्लांट दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसका फाइबर जो इसका पूरे पूरे पोर्शन से फाइबर निकलता है या कोई पर्टिकुलर पोर्शन उड़ता है? ये इसका फाइबर है सर। अच्छा, ये फाइबर है। अच्छा, थोड़ा सा दिखा दीजिए सर, आप देख लीजिए ये फाइबर है। अच्छा, तो ये इसको किस कैसे करते हैं, सुखाते हैं सर, क्या होता है सर? इसका रेटिन करना पड़ता है। अच्छा, जैसे हम यहाँ के लोग करते थे वैसे तो इसका रेटिन मशीन में हो जाता है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इतने खेती इतना हमारे पास नहीं है, तो हम जो फर्स्ट क्रॉप थी हमारी, तो हमने इसकी रेटिन वहाँ नदी में की थी। नदी में करके 4-5 से 6 दिन इसको रखा था, और फिर इसके फाइबर को इससे अलग किया था। ठीक है ना। और भांग की खास बात यह है कि सर इसका जो फाइबर होता है काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और इससे सबसे बड़ी बात है पेड़ों का कटाव इससे रोका जा सकता है, क्योंकि भांग का एक एकड़ भांग 4 एकड़ पेड़ों के बराबर कागज हमें प्रोवाइड कर देती है सर। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए आप कि अगर काश्तकार जैसे उत्तराखंड में हमारे बंजर खेत पड़े हैं जगह जगह, तो कुछ आइडियाज आप दे सकते हैं कि कितनी नाली में कितना पैसा साल भर में कमा लेगा आदमी अगर इसकी खेती करे, तो कुछ मोटा मोटा एक आइडिया? आइडिया सर ये तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ इसके मतलब इसका जो जैसे मैंने बताया तो पूरा जो इसका प्लांट है पूरा प्रोसेस में रहता है, तो सीड्स हो गया, फाइबर हो गया, इससे हेम्पक्रीट तक बनती है सर। ओके, तो काफ़ी तेज़ गर्मी है यहाँ पे, धूप है, और मैं इस वजह से यहाँ पे आया था कि मैं यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में घूमता रहता हूँ, और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ तरीके ऐसे ढूंढे जाएं जिससे कि हमारे लोग जो जिन्होंने खेत छोड़ दिए हैं वो लोग अपने खेतों की तरफ वापस लौटें, और ये जो यहाँ पे हैम फार्मिंग का काम शुरू हुआ है बिलखेत में, इससे एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जगती है कि एक तो जंगली जानवर से इस फसल को कोई ख़तरा नहीं है, पानी भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। हाँ, कीटनाशक भी इसमें नहीं चाहिए, और तमाम किस्म के जो इसके इंडस्ट्रियल यूज़ हैं उस वजह से ये खेती यहाँ पे सक्सेस हो सकती है। इससे 25,000 हम प्रोडक्ट बनते हैं सर, 25,000 प्रोडक्ट इससे बनाए जा सकते हैं, जैसे आपके फाइबर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, मेडिकल के प्रोडक्ट हो गए। मैंने सुना कि ईंट तक बन सकती है। हाँ सर, इससे हेम्पक्रीट बनती है, यहाँ पे तो इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं इसके वहाँ पे घर तक बनते हैं सर, इसका प्लास्टर और हेम्पक्रीट से। उससे बेनिफिट ये होता है कि जो ठंड में वो गर्मी रखता है, और गर्मी में वो ठंडा रखता है, काफ़ी उसके बेनिफिट हैं उसके हेम्पक्रीट के, जो घर बन रहे बाहर। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो नशा है, ये नशा मुक्त भांग है सर, इसके अंदर जो हेम्प है ये इसमें नशा बिल्कुल नहीं है, इसमें जो THC लेवल है इसका 0.3 है। THC टेट्राहाइड्रोकैनबिनॉल इसको बोला जाता है, टेट्राहाइड्रोकैनबिनॉल, और जिसकी मात्रा इसमें 0.3 है, और जो नॉर्मल जो कैनबिस होता है उसमें इसकी मात्रा 15 और 16 तक पाई जाती है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई इसका मिसयूज़ कर सकता है, ऐसा भी नहीं है सर। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है कि जो भांग की खेती है, इंडस्ट्रियल हैम फार्मिंग जो है, उसके क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, क्या आर्थिक लाभ हमें मिल सकते हैं, और जंगली जानवरों से तो ये सुरक्षित है ही,
तो अगर आप इस बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बिलखेत, अगर आसपास हो आप तो बिलखेत आ सकते हैं। बिलखेत पौड़ी से सतपुली जो सड़क आती है कांसखेत होके, उसमें लगभग पौड़ी से करीब 30-35 किलोमीटर के आसपास होगा, यहाँ पे आ सकते हैं। सतपुली से भी ये 10 किलोमीटर होगा अगर कोटद्वार की तरफ से आप आते हैं। और अगर आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका कांटेक्ट जो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं उन लोगों से करवा सकता हूँ। मेरा नंबर 7830677767 है। तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा, और उम्मीद है कि जो ये हेम की यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, भांग की खेती की जा रही है, ये एक उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए, और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्रों से लोग खेती न कर पाने की वजह से, और कारण यह है कि जंगली जानवर परेशान करते हैं, उससे ये सुरक्षित है। नशे का इसमें आपको बता ही दिया है कि इसमें 0.3% से भी कम नशा है, जो कि ना के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि ये खेती उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। जागो उत्तराखंड के लिए आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।